हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 है, यानी बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर की जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इसके अंदर आप लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सी दवाओं की आप लोग को सार पढ़ना है, कौन उनकी सिंथेसिस पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। बाकी देखो, मेडिसिनल केमिस्ट्री आप लोगों ने ऑलरेडी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ ली है, ये उसका यहाँ पे सेकंड पार्ट होने वाला है। तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानते ही हो कि इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे दवाएं होती हैं उनका हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, सार, ठीक है, और उसका जो भी मेडिसिनल यूजेज होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ते हैं। तो देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा फिर भी देखना चाहें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दैट रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। अब देखो यहाँ पे ना, अगर आप लोग देखो तो भाई इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ जाती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं। अब इसमें बायोकेमिस्ट्री भी आ जाती है, क्योंकि इसमें इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ते क्या है, इसके अंदर हम लोग वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं जो हमारी कह सकते हो बॉडी के अंदर होती है, और हम लोग ड्रग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और उसके इसके बाद यहाँ पे फार्माकोलॉजी भी आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मेनली किस चीज़ के बारे में, भाई हम लोग यहाँ पे दवाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनका जो भी यूजेज वगैरह होता है उनका फार्माकोलॉजिकल, तो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे उन सारी चीज़ों को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कह सकते हो इन तीनों सब्जेक्ट की कंबाइन स्टडी हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब इन तीनों का ही थोड़ा बहुत चीज़ें हमें इस मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट डील्स विद सिंथेसिस, सार एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। और इसके अंदर मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, इसके अंदर हम लोग मेनली जो भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स होती हैं, जैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हो गई, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं उनका हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से क्लास होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उन सभी की सिंथेसिस देखते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ कुछ का हम लोग यहाँ पे सार वगैरह देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़नी है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 की बात करें, मतलब ये वाला जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर वाला पार्ट है, तो ये हमारा बेसिकली डील्स करता है हमारा सार सिंथेसिस, क्लासिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ एंटी हिस्टामिनिक। मतलब इसके अंदर हम लोग देखो क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को, एंटी न्योप्लास्टिक यानी कि हमारे कैंसर को ट्रीट करने वाली जो दवाएं होती हैं उनके बारे में, एंटी एंजाइनल ड्रग्स यानी कि एंजाइना को ट्रीट करने वाली जो दवाएं होती हैं उनके बारे में, डायूरेटिक्स यानी कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने वाली दवाएं जो होती हैं, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करने वाली जो दवाएं होती हैं, एंडोक्राइन ड्रग्स यानी कि एंडोक्राइन डिजीजेस से रिलेटेड जितनी भी दवाएं होती हैं, और उसके बाद एंटी डायबिटिक एजेंट्स यानी कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने वाली दवाएं, और लोकल एनेस्थेटिक्स यानी कि एनेस्थीशिया वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, यानी उसका जो सार होता है उसकी सिंथेसिस होती है और उसका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे अपना यूनिट वाइज सिलेबस को देखना चाहें तो यूनिट 1 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हमारे जो है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो सिलेबस है आपका वो काफ़ी डिटेल में दे रखा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर सारी दवाएं वगैरह भी डिटेल में दे रखी हैं, ठीक है, हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में, तो देखो एंटी हिस्टामिन यानी कि हमारी वो दवाएं जो कि हिस्टामिन को रोकने का काम करती हैं, ठीक है, यानी कि उसके सिंथेसिस को कम वगैरह करती है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपने हिस्टामिन के बारे में कि आखिर हिस्टामिन होता क्या है। तो ये हमारे एक टाइप का ऑटोकॉइड्स केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी रिलीज करती है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर्स को, ठीक है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि वो हमारी बॉडी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब इसी के अंदर यहाँ पे देखो, इतना देखने के बाद ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स को। तो देखो इसके अंदर हमारी तीन टाइप की क्लास आ जाती है, मतलब एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के तीन क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। पहला आ जाता है H1 एंटागोनिस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी दवाएं होती हैं जैसे डाइफेनहेड्रामीन, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब जिसके ऊपर भी आप लोग को स्टार मेंशन है, यानी उन दवाओं के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसकी आप लोग को सिंथेसिस वगैरह काफ़ी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर हमारा डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, उसके बाद प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, इन सभी के बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारी दवाएं आ जाती हैं, जैसे हमारा डायमेनहाइड्रिनाइट हो गया, ठीक है, क्लेमेस्टाइन हो गया, फ्यूमारेट हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमारी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H1 एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे हमारे हिस्टामिन के चार टाइप के रिसेप्टर होते हैं H1, H2, H3, H4, तो यहाँ पे देखो ये H1 एंटागोनिस्ट क्या होती है, जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी एजेंट काम तभी करता है जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो H1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से हिस्टामिन अपना एक्शन शो नहीं कर पाता है। उसके बाद H2 एंटागोनिस्ट यानी H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली, अब इसके अंदर हमारी सेमेटिडीन आ जाती है, फेमोटिडीन और रेनिटिडीन, ठीक है, तो इसके अंदर सेमेटिडीन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और उसके बाद हमारा थर्ड क्लास आ जाता है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है। तो ये भी हमारे एक टाइप की दवाएं होती हैं जो कि हमारे हिस्टामिन को ब्लॉक करती हैं, और इसमें हमारा आ जाता है ओमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, ठीक है, और रैबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो यूनिट वन में ना हमें यहाँ पे एक जो है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में भी पढ़ना है। तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स क्या हो जाते हैं? वो दवाएं जो कि हमारे यहाँ पे कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। अब इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे क्लास हो जाते हैं, जैसे हमारा एल्कालेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट्स और मिसरेनियस, ये सारे हमारे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स की क्लास हो जाती हैं। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट दवाएं हो जाती हैं, जैसे एल्कालेटिंग एजेंट्स के अंदर हमारा मेक्लोरिथामिन हो गया, ठीक है, मेलफालन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स में मरकैप्टो प्यूरिन, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर एंटी बायोटिक्स में हमारा डैक्टिनोमाइसिन, ठीक है, और हमारा जो है डाउनोरूबिसिन, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जैसे मिसेलियस के अंदर हमारा सिसप्लास्टिन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स में पढ़नी है, ठीक है। और यूनिट टू की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट टू हमारा यहाँ पे सबसे पहला जाता है एंटी एंजाइनल ड्रग्स, यानी कि एंजाइना को ट्रीट करने वाली जो दवाएं होती हैं। अब इसके अंदर हमारे सबसे दो क्लास आ जाती हैं, ठीक है, मेनली। वैसे इसके अंदर और भी बहुत सारी दवाएं क्लासेज होती हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस के हिसाब से दो ही क्लास है, जैसे वैसोडायलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब वैसोडायलेटर्स में जैसे हमारा एमाइल नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक है, और उसके बाद आइसोथॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये सारे हमारे स्टार वाली ड्रग्स हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारा वेरमप्रिल हो गया, ठीक है, और उसके बाद जैसे हमारा डिल्टियाजिम हो गया, और हमारा निफेडिपिन 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 हो गया, हमारा एमडीपिन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आ जाती हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूनिट टू में बात करें तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जाता है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स हमारी वो दवाएं जो कि हमारे यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करती हैं हमारी बॉडी में। अब इसके अंदर भी बहुत सारी क्लास हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, फिर हमारा थायाजाइड्स, लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ये सारी क्लासेज हमारी आ जाती हैं। इसके अंदर हमारी दवाएं आ जाती हैं, जैसे हमारा एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, ठीक है, डाइक्लोरफेनामाइड, ये सारी हमारी दवाएं इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये हमारा हो गया डायूरेटिक्स। और इसके बाद हमारे यहाँ पे इसके अंदर एक और पोर्शन भी आ जाता है जो कि हमारा जाता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, ठीक है, यानी यहाँ पे हाइपरटेंशन को ट्रीट करने वाली दवाएं भी हमें यहाँ पे इसके अंदर पढ़नी है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर सिलेबस में आप लोगों की डायरेक्टली दवाएं दे दी गई हैं, ठीक है, बाकी इसके अंदर हमारी क्लास भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे जैसे हमारे यहाँ पे क्यूनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड, ये हमारी स्टार वाली ड्रग्स हो गई, टीमोलोल, कैप्टोप्रिल, इनैलोप्रिल, लिजोनोप्रिल, ये सारी दवाएं हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। अब ये सारी हमारी इसके क्लासेस के अंदर आती हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे सिलेबस अपना तब देख लेंगे, ठीक है, मतलब जब भी हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक्स को। तो ये देखो, ये हो जाता है हमारा यहाँ पर यूनिट टू। नाउ यूनिट थ्री हम लोग बात करते हैं। यूनिट थ्री में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है अपना एंटी एरिदमिक ड्रग्स के बारे में, यानी एरिदमिया को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं होती हैं। अब इसमें भी डायरेक्टली आप लोग की दवाएं दे दी गई हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्यूनिडिन सल्फेट हो गया, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ठीक है, और हमारा यहाँ पर डाइजोपायरामाइड फॉस्फेट हो गया, ये हमारे स्टार वाली ड्रग्स हो गई। तो ये सारी दवाएं आप लोग को यहाँ पर यूनिट थ्री के अंदर पढ़नी है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसके अंदर और भी, तो देखो यूनिट थ्री के अंदर हमारे और भी पार्ट आ जाते हैं। जैसे यूनिट टू के अंदर हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स के बारे में। तो देखो हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारे यहाँ पे जब भी हमारी कह सकते हो ब्लड में लिपिड वगैरह का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं होती हैं, जैसे हमारा क्लोफिब्रेट हो गया, ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे लोवेस्टिन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारी वो दवाएं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट या फिर बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे वारफरिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है, ठीक है, फिर एसिटोमेनाडीन डियोन हो गया, ठीक है, मेनाडियोन हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली पढ़ेंगे अपने ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, CHF में यूज होने वाली जो दवाएं होती हैं। तो इसके अंदर भी जैसे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट दवाएं हो जाती हैं और इन पर क्वेश्चन भी कई बार आता है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा बेसेंटेन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूनिट थ्री में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर फोर के बारे में, तो यूनिट फोर में भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले पार्ट हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग मेनली बात करें ना, तो मेनली हम लोग यहाँ पे अपने जो है यूनिट फोर में पूरा पढ़ेंगे अपने ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम पे जो भी दवाएं यूज होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे पूरे यूनिट फोर में पढ़ रहे होंगे। जैसे इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर स्टेरॉइड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ेंगे अपने कुछ सेक्स हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, नैंड्रोलोन, प्रोजेस्टेरोन, ओस्ट्रियोल, ठीक है, ओस्ट्राडियोल, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर भी जैसे हमारा
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, जैसे सिलडेनाफिल, टेडेलाफिल, ठीक है। और देखो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एक टाइप से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, हमारा जो है इरेक्शन, पेनिस के अंदर इरेक्शन की कमी हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो गए, तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स यानी कि कॉन्सेप्शन को जो भी कह सकते हो रोकने के लिए जो दवाएँ ली जाती हैं, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गए, ठीक है। तो इसके मतलब ये हमारी कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो है हमारी आ जाती है हमारे यहाँ पे जो है थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थायराइड को ट्रीट करने के लिए और मतलब जो है दवाएं यूज़ होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे हमारा एल थायरोक्सिन हो गया, एल थायरोनिन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 4। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में, तो यूनिट 5 में हम लोग फाइनली बात कर रहे होंगे अपने एंटी डायबिटिक एजेंट्स के बारे में। एंटी डायबिटिक एजेंट्स यानी कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर को रोकने के लिए जो हमारी दवाएँ होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे टाइप आ जाए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने इंसुलिन। देखो इंसुलिन सबसे मेजर हार्मोन होता है जो कि यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस में अपना मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से ही हमें डायबिटीज़ वगैरह देखने को मिलती है, क्योंकि यही क्या होता है, यही हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन को पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमारी क्लास हो जाती है सल्फोनिल यूरियाज, ठीक है, बाइक्वानाइड्स, ठीक है, और उसके बाद थायाजोली डिनेडियोन्स, ठीक है, और उसके बाद हमारा मैग्लिडिनाइड्स, ठीक है, और उसके बाद हमारा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स। तो ये सारे हमारे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो जाती हैं, और इनके अंदर हमारी बहुत सारी दवाएं, जैसे सल्फोनिल यूरियाज के अंदर हमारा टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाती हैं। फिर हमारा मेटफॉर्मिन बाइक्वानाइड्स के अंदर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ रहे होंगे। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में, तो लोकल एनेस्थेटिक्स यानी कि इसमें हम लोग यहाँ पे अपने जो भी हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स यानी कि जो सिर्फ लोकली किसी पार्टिकुलर रीजन में जो है हमारे कह सकते हो एनेस्थीशिया कॉज करते हैं, ठीक है, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। अब इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास आ जाती है, जैसे हमारा बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, इसके अंदर हमारा कोकेन हो गया, हेक्साइलकेन हो गया, ठीक है, पाइपेरोकेन हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। फिर हमारे इसके अंदर आ जाता है अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, जिसके अंदर बेंजोकेन हो गया, ब्यूटामीन हो गया, प्रोकेन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके अंदर हमारे यहाँ पे लिडोकेन या फिर एनिलाइड डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है, जिसके अंदर हमारा लिग्नोकेन हो गया, ठीक है, और प्रेलोकेन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारी कुछ मिसलेनियस ड्रग्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारा डिबोकेन यहाँ पे स्टार ड्रग्स हो जाती है। तो देखो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें किस तरीके से पढ़नी है। और बाकी यहाँ पे हम लोग जो है बहुत जल्दी यहाँ पे इनके लेक्चर्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। और बहुत मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन वीडियोस के साथ।